उससे पहले तो आपका पेट्रोलिंग काफिला गुजरना गुजरा होगा, जब 350 किलो RDX का आप जिस एरिया में हुआ है ना उस एरिया में जाइएगा, हम गए हुए हैं लगभग हर एक 350 किलो RDX किसी गाड़ी में आके और सीधे सामने से टक्कर मार रहा है, क्या आपका कोई मेटल डिटेक्टर वहाँ काम नहीं किया? शतरंज में सिपाही के केना मरवाल जाय छै जीतै ई खिस्सा चल रहलै उसी सेना के मरवेलकै वही बात है। मोदी जी का जो रेशियो था प्रधानमंत्री हमेशा सब मीडिया सब उन्हीं का है, लेकिन ऐसा आ गया था कि 26% पे आ गए थे पूरे इंडिया में व्यक्तित्व की आप किसको चाहते हैं, तो 26% पे मोदी जी आ गए। और जैसे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ है तो 63% पे कैसे चलेगा? सीधा दिखाई दे रहा है कि ये स्टंट है प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया है, न रोजगार का न भ्रष्टाचार का कुछ चीज का बात नहीं है, बस माइक पकड़ते पकड़ते कर रहे हैं कि पाकिस्तान लाश गिन रहा है और अब हमारे यहाँ सबूत मांग रहा है। विकास के नाम पर हमने विकास के नाम पर वोट मांग रहे हूँ, 5 साल में क्या वादा किए उस मुद्दा पर एक बार भी कहिए जो हमने आपसे वादा किया उस वादा पर हम खड़े उतरे और इसलिए आपसे फिर वोट मांगने के लिए जनता के अंदर जाति समीकरण नहीं चला। इस वोट को बताया गया था बाय एयर पहुँचाया जाए, बायर का डिमांड किया बिल्कुल, अरे 8 दिन पहले पूरा योजना इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कैसा हमला होने वाला है, तब आप नहीं किए, मतलब कि आप जानबूझ के करवाए हैं। पचास जवान को 500 रुपया दे के आगे बैठा दीजिए, मोदी 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 लालू जी ठीक कहे थे, लालू जी तो बोले थे ना कि 50 जवान को आगे बैठा देगा कुर्सी पर हल्ला करेगा मोदी मोदी, क्या उसे क्या हो रहा भाई? एक बार न्यूज आया था 50 स्टूडेंट को लाया गया था 400-400 रुपया पर, हाँ पैसा नहीं दिया, पैसा न्यूज हमेशा आते रहता है लेकिन कोई चलाए तब तो।